गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये कि अपन ट्वेल्थ के अंदर इलेक्ट्रो स्टेटिक्स के अंदर कूलॉम नियम की चर्चा कर रहे थे। कूलॉम नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत अपन लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है उसे अपन ने देखा कि अगर एक कोई आवेश है, उस आवेश के चारों ओर अन्य कोई भी आवेश स्थित हैं, तो वे सारे आवेश उस आवेश पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो उस जो आवेश पर परिणामी बल जो होता है, अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले सभी बलों के बीजगणित योग के या सदिश योग के बराबर होता है। इस पर आधारित अपन लोगों ने क्लास में न्यूमेरिकल भी किया था। तो देखिए, आज अपन लोग जो हैं नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक जो है अपने पास जो रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र के बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। विद्युत क्षेत्र, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र एवं तीव्रता, तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी। देखिए, पहला मकसद तो अपना ये कि ये फील्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है, ठीक है। फील्ड के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, फील्ड क्या होता है, किसी भी जो है वस्तु का प्रभाव, ठीक है ना, किसी भी वस्तु का प्रभाव जहाँ तक गहरा रहता है, ठीक है ना, उसे अपन उस वस्तु का क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अपने फील्ड का मतलब किससे है, विद्युत क्षेत्र से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि कोई भी जो चार्ज होता है, कोई भी जो चार्ज होता है अपने आसपास जो है एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जिसमें वस्तुओं के आकर्षण का या प्रतिकर्षण का प्रभाव जो है परिलक्षित होता है, ठीक है। तो देखिए, विद्युत आवेशों के निकाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी भी आवेश के चारों ओर एक ऐसा फील्ड होगा जिसके अंतर्गत जो है अपन लोग उसके आवेश के चारों ओर जो है अन्य आवेशों के पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करेंगे, बड़ा अनुभव करेंगे, तो वो सारा का सारा दायरा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है ना। अब किसी भी आवेश के चारों ओर क्षेत्र का मान क्या होगा, ठीक है ना, तो इसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र मैंने आपको बताया कि जिस किसी भी आवेश या आवेशों के निकाय का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, वह क्षेत्र जो है आपका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें रखे अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, करते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए, ये तो इसकी हो गई विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन, ठीक है ना। और
तीव्रता क्या है, तीव्रता उस विद्युत क्षेत्र का क्या है बेटा, मापन, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र का मापन, विद्युत क्षेत्र का मापन, विद्युत क्षेत्र का जो मापन किया जाता है, यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र कितना इफेक्ट है, ठीक है, प्रभाव कितना है, ठीक है ना, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, तीव्रता। क्या कहते हैं? तीव्रता। विद्युत क्षेत्र का मापन विद्युत क्षेत्र तीव्रता के रूप में करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में करते हैं। विद्युत क्षेत्र का मापन जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में करते हैं। ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र जो है आपका ये कैसा फील्ड है, आपका सदिश क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है बेटा, ये सदिश क्षेत्र है। यह एक सदिश क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है, सदिश क्षेत्र है, तथा इसे ई और ई के ऊपर क्या लगाते हैं बेटा, वेक्टर। ये तीर का जो निशान है जिसे अपन सदिश का रूप कहते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, ऊपर सदिश साइन लगाया है, क्योंकि ये कैसा क्षेत्र है आपका, सदिश क्षेत्र है। यह एक सदिश क्षेत्र है तथा इसे ई सदिश से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसे किसे व्यक्त करते हैं, ई सदिश से व्यक्त करते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, अपन ने देख ली ये कैसा एक क्षेत्र है आपका, यह एक आपका सदिश क्षेत्र है, ओके, और इसे ई सदिश से व्यक्त करते हैं। अब देखिए अपन इसका एक बेसिक फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले को देखिए अपन लोग, देखो यदि कोई परीक्षण आवेश Q0 किसी विद्युत क्षेत्र में F बल का अनुभव करता है तो यदि कोई भी आपका परीक्षण आवेश Q नॉट किसी विद्युत क्षेत्र में F बल का अनुभव करता है, परीक्षण आवेश आपका क्या है बेटा, Q नॉट, ठीक है ना, टेस्ट चार्ज है बेटा, ठीक है ना, जिसको Q नॉट से डिनोट करते हैं, और वो F बल का अगर उस क्षेत्र में रखा है और F बल का आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी लग रहा है, उस बल का अनुभव कर रहा है, तो अपन यहाँ पे कहेंगे करता है तो विद्युत क्षेत्र। देखिए सिंपल विद्युत क्षेत्र बोलिए या विद्युत क्षेत्र की क्या बोलिए, तीव्रता बोलिए, ठीक है ना, एक ही बात है, ओके। इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, ई से, और इसका बेसिक फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, ई बराबर क्या लिखा जाता है बेटा, एफ अपॉन क्यू नॉट, क्या लिखा जाता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, क्या लिखा जाता है बेटा, एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है ना। तो एफ अपॉन क्यू नॉट इस विद्युत क्षेत्र का एक बेसिक फॉर्मूला है। एफ क्या है, वो जो आवेश जिस बल का अनुभव कर रहा है किसी क्षेत्र में रखने पर, ठीक है ना, तो और उस आवेश का परिमाण कितना है, इन दोनों का जो अनुपात है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। अब देखिए तो इसकी एक परिभाषा बना सकते हैं अपन लोग आसानी से। यदि परिभाषा बनाए, यदि Q नॉट
अगर एक कूलम है तो क्यू नॉट आपका कितना है बेटा, एक कूलम है तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका, E बराबर हो जाएगा F, E बराबर F। तो एक और परिभाषा देखिए, अर्थात अर्थ एक कूलम आवेश द्वारा, एक कूलम आवेश द्वारा किसी क्षेत्र में अनुभव किया जाने वाला बल, अनुभव किया जाने वाला बल किसी, अर्थात एक कूलम आवेश द्वारा, एक कूलम आवेश द्वारा ठीक है ना, किसी क्षेत्र में अनुभव किया जाने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता है या विद्युत क्षेत्र कहलाता है, या क्या लिख सकते हैं आप, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ये भी लिख सकते हैं आप, कहलाता है ये भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक डेफिनेशन और लिख ली, ठीक है ना, अभी आपको मैंने विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन लिखाई थी स्टार्टिंग में। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश जो हैं वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करते हैं बेटा, अनुभव करते हैं, या विद्युतमय होने का, या फिर एक इलेक्ट्रिक जो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का जो है आपके उनको एहसास होता है, तो ऐसा दायरा या ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन जो है, या विद्युत क्षेत्र का मापन जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में किया जाता है। और इससे एक बेसिक फॉर्मूला बनाया अपन लोगों ने कि यदि कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट किसी विद्युत क्षेत्र एफ में रखा हुआ है तो वो एक बल का अनुभव कर रहा है एफ बल का, तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, एफ अपॉन क्यू नॉट, क्या लिखेंगे, एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। यदि क्यू नॉट एक कूलम है, यदि इसको एक कूलम बना दें तो ई बराबर क्या लिखता हूँ बेटा मैं, एफ, ई बराबर क्या लिखता हूँ एफ, क्या लिखता हूँ बेटा ई बराबर क्या लिखता हूँ, अगर ऐसा है तो ई बराबर अपन लोग क्या लिख सकते हैं एफ, इतना है क्यू नॉट आपका कितना हो जाए, एक कूलम हो जाए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा एफ, अर्थात एक कूलम आवेश द्वारा, एक कूलम आवेश द्वारा उस किसी क्षेत्र में अनुभव किया जाने वाला बल ही क्या है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये एक विद्युत क्षेत्र की और परिभाषा हो गई। अब देखिए इसका कुछ मात्रक और विमा भी अपन चेक कर लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है ये अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए E बराबर क्या फॉर्मूला था अपने सामने बेटा, अभी E बराबर फॉर्मूला था अपने पास F अपॉन क्यू नॉट, क्या था, F अपॉन क्यू नॉट यही था, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या बनता है बेटा, मात्रक आप लोग जानते ही हैं, देखो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, और Q क्या है आपके, कूलम, तो इसका मात्रक क्या हो गया, मैं हिंदी में लिख लेता हूं, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम इसका क्या हो गया बेटा, मात्रक हो गया, ठीक है ना। एक मात्रक आपको और पढ़ने को मिलेगा बाद में, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, या इसको वोल्ट प्रति मीटर भी मात्रक के रूप में लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, या वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। ये आगे जब अपन लोग लेसन पढ़ेंगे दो चार लेसन बाद तो अपन को समझ में आ जाएगा, वीवो वाला जब टॉपिक आएगा तो उसमें वोल्ट प्रति मीटर जो है आपका एक मात्रक आएगा, वो भी ई का मात्रक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी विमा की, क्या करते हैं बेटा इसकी विमा की, तो विमा देखो कैसे निकालते हैं अपन लोग, एफ क्या होता है बेटा बल, एफ क्या होता है बल, बल की विमा क्या होती है, एम वन एल वन टी माइनस, क्या होती है, एम वन एल वन टी माइनस टू, किसकी विमा होती है, बल की। और
आवेश की वह क्या होती है, आवेश चार्ज, ठीक है ना। क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, धारा इंटू समय। धारा का क्या होता है, एम्पियर। समय का क्या होता है, सेकेंड। लेकिन सेकेंड को विमाओं के रूप में क्या लिखते हैं, टी और टी वन, एक ही है समय। ये तो क्या हो गया बेटा, इसका मात्रक हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसे अपन कूलाम भी कहते हैं। तो एम्पियर को विमाओं के रूप में क्या लिखते हैं, ए, और सेकेंड को विमाओं के रूप में क्या लिखते हैं, टी, ठीक है। तो एट, एट याद रखें बस, सिंपल, ए टी, ए टी याद रखें। जब भी क्यू आए तो ए टी याद रखें, एट, ए टी, बहुत काम आने वाली बात है, ये बार बार काम आएगी, इसलिए क्यू की विमा एट याद रखें, ठीक है ना। तो सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा बेटा, इसकी विमा के रूप में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो एम वन एल भी क्या है बेटा आपका वन, और टी ये पावर वन है, ऊपर जाएगी तो टी की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का थ्री, और ए की पावर माइनस का वन। ये किसकी विमा हो गई, ये विमा आपके विद्युत क्षेत्र की विमा हो गई, ठीक है। अब कुछ नोट करके, कुछ बातें भी हैं आपके सामने, लेकिन पहले ये समझ लीजिए इसका मात्रक और विमा आपको समझ में आ जाना चाहिए। मात्रक क्या कहलाता है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, इसका क्या होता है बेटा, मात्रक होता है। विमा निकालनी है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक फॉर्मूले से अपन लोग काम कर जाएंगे इसको। लेकिन आप याद रखें, देखो बल है, कार्य है, कुछ ऐसी बेसिक जो विमा है उसको याद रखें, ताकि काम थोड़ा जल्दी से होता रहे, ठीक है ना। बल की विमा क्या होती है, एम वन एल वन टी माइनस टू, और क्यू की विमा क्या होती है, ए वन टी वन, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व किया अपने सामने, ओके, या आप ले ए वन और टी वन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए वन और टी वन भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ये समझ में आ जाना चाहिए, एम वन एल वन टी की पावर वन है, नीचे ऊपर जाएगी तो माइनस में नहीं की, और पहले से माइनस दो है तो माइनस दो और माइनस एक मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस का तीन, ठीक है। तो ये इसकी विमा हो गई, ठीक है। अब देखिए कुछ बात और, ये तो आपके विद्युत क्षेत्र हो गया बड़ा। अब देखिए कुछ नोट करके, कुछ और पॉइंट्स है बड़ा सामने याद रखें, ओके, कुछ पॉइंट बना के अपन लिखेंगे। पहला पॉइंट जो है अपन लोग लिखेंगे, देखिए विद्युत क्षेत्र अगर कोई भी, यदि Q आवेश किसी ई विद्युत क्षेत्र में रखा है तो कार्यरत बल अपन क्या लिखेंगे, कार्यरत बल, बल का मान क्या हो जाएगा बेटा, F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई, F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, क्यू ई, ठीक है ना। ये कोई नया नहीं है बेटा, अभी अपन ने E बराबर क्या लिखा था, F अपॉन क्या निकाला था, क्यू नॉट, या फिर सिंपल क्यू बेसिक रूप में कैसे, तो मैं आपको वो बल बराबर क्या लिखोगे, आप इसका इससे गुणा करोगे, वज्र गुणा करोगे, तो एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई। आप इस फॉर्मूले को याद जरूर रखें, एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई। देखिए ये एक विद्युत बल का सूत्र भी है, और एक बल का सूत्र अपन लोगों ने जो है अभी कूलाम के नियम में भी देखा था। कूलाम का नियम जो है वो बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्य करता है, और दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को दर्शाता है। दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कूलाम नियम के द्वारा अपन लोग ऐसे लिखते हैं, क्यू क्यू वन क्यू टू बट्टा आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बट्टा आर स्क्वायर। ये कौन सा नियम से आता है, कूलाम नियम से, तो ये कूलाम बल कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका, अगर आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, अगर आवेश आपका किस में रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस समय अपन लोग बल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एफ बराबर क्यू ई, क्या लिखेंगे, एफ बराबर क्यू ई, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले विद्युत क्षेत्र के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है ना, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन में फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है वो दो आवेशों के मध्य और दूरी के रूप में फॉर्मूला है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हुए इस चीज़ से, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, अभी अपना ये है, ठीक है। और देखिए दूसरा पॉइंट अपन बनाते हैं, तो दूसरा पॉइंट अपन लोग ये बनाएंगे, देखो
एफ बराबर क्यू ई, ठीक है ना। यदि आवेश धनात्मक है तो, यदि आवेश धनात्मक है तो कार्यरत बल की दिशा, कार्यरत बल की दिशा, कार्यरत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, कार्यरत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, तथा आवेश ऋणात्मक है तो बल की दिशा ई की दिशा के, ई की दिशा के विपरीत होगी, ई की दिशा के विपरीत होगी, ठीक है। अच्छी बात है, इस चीज़ को याद रखें। यदि आवेश आपका धनात्मक है, आवेश कैसा है आपका बेटा, धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव नेचर का है, तो उस पर कार्यरत जो बल की दिशा है, बल की दिशा जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है या होगी, और आवेश ऋणात्मक है तो बल की दिशा जो है वो ई की दिशा के क्या होती है बेटा, विपरीत होती है। इसको आप डायग्राम वाइज समझ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस चीज को, जैसे मैंने आपको कहा ये आपके किसी विद्युत क्षेत्र को शो कर रहा है बेटा, ये क्या शो कर रहा है, ये आपके कोई एक समरूप विद्युत क्षेत्र को शो कर रहा है। समरूप विद्युत क्षेत्र को ऐसे ही दर्शाते हैं, आगे पढ़ लेंगे अपन लोग। अभी यहाँ पे आ रहा है तो आपको बता दूँ, ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र को शो करने का तरीका है। एक पैरेलल लाइंस बनाते हैं और इक्वल डिस्टेंस पर बनाते हैं, ठीक है ना, यानी कि समांतर रेखाएं और समान दूरी पर बनाएं, तो वो समरूप विद्युत क्षेत्र को शो करता है। कैसे क्षेत्र को शो करता है, समरूप विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये कैसे क्षेत्र को शो करता है, समरूप विद्युत क्षेत्र को शो करता है। अब बात करते हैं, मैंने कहा कि एक लो यहाँ पे क्यू आवेश है, ये धन आवेश है, कैसा आवेश है, धन आवेश है, तो इस पे लगने वाले बल को किधर दर्शाएंगे बेटा, बिल्कुल ही इस पे लगने वाले बल को अपन क्या लिखेंगे, एफ बराबर क्या लिखेंगे बेटा, क्यू ई, एफ बराबर क्या लिखेंगे, क्यू ई। लेकिन क्यू ई की डायरेक्शन मैंने किधर लगाई बेटा, इस साइड लगाई, ठीक है ना। एफ बराबर क्या लिखा बेटा, एफ बराबर क्यू ई, और क्यू ई की डायरेक्शन मैंने किधर बताई, ई की दिशा में, किधर बेटा, ई की दिशा में। और अगर ये ऋण आवेश है, कैसा आवेश है आपका, अगर ये ऋण आवेश है तो इस पे जो लगने वाले बल की दिशा है, एफ बराबर होगा तो ये भी क्यू ई, बस इसकी दिशा क्या हो जाएगी बेटा, इस ऋण आवेश के कारण इसकी दिशा क्या हो जाएगी, आपके विपरीत दिशा हो जाएगी। तो क्यू ई प्लस का है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस का है तो आवेश तो आपके विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, बल की दिशा होती है। ये पॉइंट आपके सामने ये था, अगला पॉइंट देखते हैं। देखें अगला पॉइंट, दो पॉइंट हो गए, तीसरा जो पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट क्या है, धनात्मक, धनात्मक बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर तथा ऋणात्मक विद्युत आवेश, विद्युत एक सॉरी यहां पर अपन लिखेंगे
धनात्मक आवेश से, ऐसे लिख लो, धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र और ऋणात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र उस आवेश की ओर होता है, उस आवेश की ओर और होता है। तो क्या बात लिखी अपन लोगों ने, देखिए धन आवेश है तो वहां से जो विद्युत क्षेत्र होगा उससे क्या जाएगा बेटा, अवे दूर जाएगा, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर का मतलब है, ठीक है ना। अपन ये भी कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र दूर होगा, दूर जाएगा, ये भी लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र कहाँ जाएगा आपके, दूर जाएगा आवेश से, क्या जाएगा बेटा विद्युत क्षेत्र आवेश से कहाँ जाएगा, दूर जाएगा, ठीक है ना। और ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र उसके पास आएगा, उसकी ओर आएगा। जैसे अपन बात करते हैं कि ये आपका आवेश है, कैसा आवेश है, धन आवेश है, तो धन आवेश से अपन को विद्युत क्षेत्र जो बनाएंगे, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएँ हैं, ओके। और इस विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को कैसे दर्शाएंगे बेटा, ऐसे दर्शाएंगे, किस तरीके दिखाएंगे मित्रों, देखिए इस तरीके से अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगे यदि आपका रखा आवेश कैसा है मित्रों, धन आवेश है, ठीक है। अब देखिए मित्रों, अगर ये आपका आवेश ऋण आवेश है, कैसा आवेश है, ऋण आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को कैसे दर्शा रहे हैं आप लोग, देखिए इस चीज को, विद्युत क्षेत्र की दिशा को अंदर की ओर दर्शा रहा हूं, देखो आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र आता है, ठीक है, ओके। तो मेरा ये पॉइंट क्या था आपके को समझाने के लिए, ये पॉइंट ये था कि अगर कहीं भी आपका धनावेश रखा है तो उससे अपन विद्युत क्षेत्र कहाँ दर्शाएंगे, उस धनावेश से निकलता हुआ, बाहर निकलता हुआ कहाँ दर्शाएंगे, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर या बाहर निकलता हुआ या उससे दूर जाता हुआ अपन लोग दर्शाएंगे आवेश से, ठीक है ना। और अगर ऋण आवेश है, ये आवेश कैसा है, अगर ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र उसकी ओर आता है, आवेश की ओर आता है या अंदर की ओर आते हुए दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास विद्युत क्षेत्र संबंधित कुछ बातें थी, आप लोग इसको याद रखें विद्युत क्षेत्र से संबंधित। एक मैं आपको बेसिक इस पे क्वेश्चंस भी करवा देता हूँ विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र पर बेसिक क्वेश्चंस क्या है उसको भी देख लेते हैं, देखिए तो बेसिक क्वेश्चंस क्या है, देखिए आप समझने की कोशिश करें, बेसिक क्वेश्चन है अपने सामने, एक 5×10^4 कूलम आवेश, 5×10^4 कूलम आवेश 2.25 न्यूटन बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आपको ये क्वेश्चन पूछा है। एक 5×10^4 कूलम आवेश, 5×10^4 कूलम आवेश किसी क्षेत्र में, थोड़ा ऐसे लिख लें, किसी क्षेत्र में 2.25 न्यूटन बल का अनुभव करता है, ठीक है, 2.25 न्यूटन बल का अनुभव करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उस क्षेत्र की आपको तीव्रता बतानी है, ओके। ये 10^-4 कूलम आवेश हैं, ठीक है, ओके। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, देखो बहुत सिंपल सॉल्यूशन अपन लोग करते हैं इसका। तो देखिए आपको दिया हुआ क्या है बेटा, आवेश कितना दिया हुआ है, 5×10^-4 कूलम,
और आपको बल कितना दे रखा है, बल आपको दे रखा है 2.25 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला क्या है आपके सामने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है E बराबर F अपॉन Q, सिंपली Q लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ओके तो इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग। F का मान कितना है 2.25, F का मान कितना है 2.25 अपॉन ये कितना है 5×10⁻⁴। इसको सॉल्व करना है, देखिए आप अगर अपन इसको ऊपर लेके जाते हैं 10⁴ प्लस की हो जाएगी और ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये इतना हो जाएगा 10⁴ ऊपर जाएगी ओके, और इससे गुणा कर देंगे तो इतना बनेंगे और नीचे की तरह 5। ठीक है, तो देखिए E का मान कितना आएगा, भाग देंगे तो देखो 5 का भाग इसमें कितने बार गया 4 बार, फिर कितना बचा 2 और 4 और 5, 4 और 5 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास 4500। ठीक है, मात्रक क्या लिखो, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंसर आ गया। ठीक है, तो 4500 न्यूटन पर कूलम जो है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जिसमें एक इतना आवेश जो है वो इतने बल का अनुभव करता है। आप देख लीजिए बेटा, इसको काटा है मैंने 10⁴ को ऊपर लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, 10⁴ से इसको गुणा करेंगे तो 2 पॉइंट के हिसाब से कट जाएगा ओके, पीछे 2 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है ना, 5 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, एक बार तो पीछे 2 बचेगा 25 हो गया, 5 का भाग 5 हो गया और ये कितना रह जाएगा, इतना रह जाएगा। ठीक है, टोटली अपन लोग काटेंगे तो इसको। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या था बेटा, ये आपके सामने जो है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ बातें थी। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके रिलेशन अपन लोगों ने पढ़ा है इसको। तो आज आप इस टॉपिक को देखें, तीव्रता से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ा था अपन लोगों ने। ठीक है, उससे बेसिक मैंने एक आपको न्यूमेरिकल भी कराया ओके, ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल आपको दिया जा सकता है। आपको कभी कभी क्या है बेटा, आपको विद्युत क्षेत्र दे देंगे ओके, आवेश दे देंगे और आपको बोलेंगे कि बल का मान ज्ञात कीजिए, तो बल का मान F बराबर क्यू ई से निकाल देंगे, यानी Q और F का क्या कर देंगे अपन, Q और E का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो अपने पास उस पर लगने वाले बल का मान भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंधी कुछ बातें थी जो आपने पढ़ी। ठीक है ना, तो आप लोग इसको पढ़िए अच्छे ढंग से, समझिए। ठीक है ना, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।